आज इस शुभ मौके पर मैं रामा मेहरा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये फिल्म बनाई, अच्छी फिल्म बनाई और मुझे काम करने का मौका दिया। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने शूटिंग की इनके साथ तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ हम लोगों ने शूटिंग की है। मैं रामा मेहरा को डिस्टेंस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मीडिया से ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस फिल्म का जितना स्प्रेड करें, इसके बारे में जितना लोगों को बताएं, क्योंकि आजकल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी फिल्म को उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। देते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं होता है बोलने के लिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच कि फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था, मैं बहुत सालों से इंतजार था इनफैक्ट। सो थैंक यू सो मच। एंड क्या बोलूँ मैं फिल्म के लिए, कुछ फिल्म के लिए सवाल जवाब कुछ करना है तो कर सकते हैं, प्लीज पहले बोलने दीजिए। सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन लाइक मेरा पहला प्रोजेक्ट है ये, जो सिर्फ एक लड़की की जर्नी है, दैट्स अ वुमन ओरिएंटेड फिल्म, जिसको प्ले करके मुझे तो बहुत मजा आया बट सर को और ज्यादा मजा आया क्योंकि सर के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है। फिलहाल पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे तो हमेशा बोलती हूँ नहीं, मैं ऐसे कर लेती हूँ ऐसे कर लेती हूँ, बट नहीं, सर जैसा बोले थे वैसा किया है हमने, वैसे ही सीन गए हैं जैसे सर ने बोले हैं। सो सर भी हैप्पी है आई गेस। सो आई होप आप लोगों को फिल्म अच्छी लगे। ट्रेलर दिखा दिया, ट्रेलर दिखा दिया ऑलरेडी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड विश अस लक कि हम हमारी फिल्म बहुत अच्छा करें। थैंक यू। सिंगर आदमी है, मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं बाबा बोलता हूँ हमेशा उनको। हुआ यूँ कि जब मैंने आज से 2001 में फिल्म बनाना शुरू किया था तो मैं अपनी सारी फिल्मों के टाइटल के से बनाता हूँ। सबसे पहली फिल्म बनाई थी मैंने कदमदाता, पिक्चर बन के रिलीज हो गई। फिल्म बनाई मैंने कालीघटा, पिक्चर बनी रिलीज हो गई। फिर मैंने अपने पंडित से पूछा कि ये सिलसिला क्या है, तो बोले आपको बाबा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप फिल्में के से बनाते जाइए, आप जिंदगी में रुकेंगे नहीं। तब से मैं हमेशा हर जगह कोई भी के ढूंढता रहता हूँ, जहाँ भी के का कोई टाइटल होता मैं उसको रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ। और उस तरह से मेरी अभी 21वीं पिक्चर है ये, 16 पिक्चर मैंने खुद अपने बैनर से बनाई हैं, आप गूगल में देख सकते हैं सारी पिक्चर कैसे हैं। उसके बाद ये बाहर के बैनर की पिक्चर्स हैं जिसको मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। तो इसके पहले मैंने कसम मैया की पिक्चर की थी, फिर कोइंडो डिलक्स की, फिर खंडाला नाइट की और ये कीप सेफ डिस्टेंस। अब साहब का सवाल ये था कि कीप सेफ डिस्टेंस टाइटल मैंने क्यों सोचा। एक बार मैं फिल्म सिटी के मंदिर से रात को 2 बजे आ रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि भैया अकेले मत जाइए, यहाँ पर शेयर होता है और आपके पास कोई बहुत बड़ी गार्ड वार्ड भी नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी भी नहीं है। तो मुझे एक आइडिया आया, 2 बजे मेरा पैकअप हुआ तो मेरे सामने एक लाइट का टेम्पो जा रहा था, तो मुझे एक आइडिया आया कि मेरे टेम्पो को फॉलो करते करते अगर मैं निकल जाऊँ तो फिल्म सिटी के बाहर आ जाऊँगा। तो मेरी गाड़ी की जो हेडलाइट है और उसके बैक पर चल रही थी, उसके बैक पर लिखा था कीप सेफ डिस्टेंस। तो जब मैं फिल्म सिटी के मंदिर से गेट तक आया तब तक मेरे दिमाग में टाइटल भी छप गया था और ये पिक्चर भी छप गई थी। भी प्यारे हैं, अनिल शर्मा भी प्यारे हैं, जो भी प्रोड्यूसर है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमको तो काम करना है। तो एक्चुअली क्या हो गया कि और इसके जो डायरेक्टर हैं रामा मेहरा, एक्चुअली वो उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ था और मुझे बताया गया कि मेरा जो रोल है इंस्पेक्टर रोल है थोड़ा कॉमेडी चाहिए उनके लिए। सब ज़्यादातर क्या हो गया कि मैं कुछ मेरी फिल्में ऐसी हिट हो गई थी जैसे हमें राय प्यार के, गदर, वेलकम, इस तरह की फिल्में, तो फिर उस तरह के रोल आते हैं कि भाई अरे यार वो थोड़ा सा ना। तो रोल अच्छा था, अच्छी चीज़ है सब कुछ, आप फिल्म देखेंगे पूरी तो आपको समझ में आएगा। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब कॉमेडी का रोल था। अभी हम लोग ज़्यादातर तो हम पूरी कहानी तो सुनते नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग, और हमको कोई ज़्यादा पूरी कहानी सुनाता भी नहीं है, है ना। अगर आपका एक पूरा सेंट्रल करेक्टर हो तो वहाँ समझ में आता, चलो ठीक है भाई पूरी कहानी ये ऐसी ऐसी, बट इसने जो भी मुझे बताया मुझे अच्छा लगा, मैं कहा चलो ठीक है करते हैं। अच्छा डायरेक्शन था, अच्छा काम किया उसने, लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा लेकिन अच्छा हो गया। यही सबसे बड़ी बात है। आज मैं यहाँ पर इस बात में मुझे बहुत खुशी है, आप लोग यहाँ पर इतने सारे लोग हैं कि ये फिल्म रिलीज हो रही है,
मैं आपको बताऊं ऐसी कितनी फिल्में हैं जो हम लोगों ने की हैं, जो कंप्लीट भी हैं, जो 80% है, 90% है, और बहुत सारी तो ऐसी हैं कि वो फिल्म शुरू ही नहीं हुई है, समझे। आज के दौर में किसी फिल्म को बनाना इतना आसान है, लेकिन उसको रिलीज़ करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जिस तरह से इसको डेट मिली है 15 तारीख की, 15 नवंबर को रिलीज़ करने जा रहा है, ये तो मैं हैट्स ऑफ कहता हूँ। और मैं आप लोगों से बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा इसको मतलब इसको प्रमोट करें और जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ तो मुझे खुशी होगी, ताकि कम से कम लोग देखें एक प्रोड्यूसर ने जो काम किया, उसने जो पैसा लगाया तो उसका पैसा वापस आए और लोगों तक पहुँचे। ये फिल्म आपके अलावा सब भी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे कलाकार जो उसने बहुत अच्छे, ये लड़का जो रामा मेहरा ना, इसके रिलेशन बड़े अच्छे रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं ये, तो उसने हमेशा ध्यान रखा है और कहा कि सर प्लीज़। तो हम लोग को तो यही है सर, और क्या होता है अभी अभी देखो, जब तक नए लोग नहीं आएंगे तो हमको तो हम कब तक वेट करेंगे कि, और ये नहीं कि नहीं ये नया इसके साथ काम नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको अच्छा लगता है, रोल अच्छा है, अब वहाँ जाके सेट पे जाके पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, और कहानी सही है कि नहीं, या फिर वहाँ पे काम ठीक हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन सही है कि नहीं, है ना। थोड़ा कम ज़्यादा तो होते रहता है, लेकिन इस प्रोडक्शन में मैं इतना ज़रूर कहूँगा किसी बात की शिकायत नहीं हुई, अच्छे से काम हुआ और मज़ा आया। लेट्स होप फॉर गुड। भैया देखो, एक्टिंग जो है ना, मुझे मनोज कुमार साहब ने कहा था कि एक्टिंग जो है बहुत मतलब दिमागी काम है, बहुत स्पिरिचुअल काम। तो ये लोग समझते हैं कि बहुत आसान है भाई एक्टिंग करना, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। हैट्स ऑफ, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं, मतलब उन्होंने सही मानों में अपने दिलो जान से काम किया है और मतलब अपनी सारी साधना, सारी शक्ति लगाई। तो नेगेटिव रोल हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे पॉजिटिव रोल हो, परफॉर्मेंस देना कोई आसान काम नहीं है, साधना का काम है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। तो जब मैं नेगेटिव रोल करता हूँ तो उसमें भी मुझे अपना सब कुछ, अपनी एनर्जी, अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन, वो सब जो कुछ हमने सीखा है यहाँ आने से पहले या इन 30 सालों में काम करते करते, वो सब कुछ डालना पड़ता है। और मुश्ताक भाई अगर कॉमेडी कर रहे हैं तो जो कुछ उन्होंने सीखा है, आसान नहीं है एक्टिंग करना, इसीलिए आजकल नए बच्चे बोलते हैं चलो यार एक्टर बन जाएंगे। तो मैं यही सबसे कहता हूँ हमेशा कि अगर आपको एक्टर बनना है तो आप तैयारी के साथ आए। जी हाँ, नहीं है, विलेनस कैरेक्टर है एक्चुअली। अभी मैं कल हाउसफुल देखी पिक्चर, उसमें भी विलन्स हैं, और मतलब आजकल हीरोज ही विलन के रोल करते हैं ज़्यादातर देखा गया है, जैसे अपना क्या पद्मावत और ये सब सारे विलन ही करते हैं, जैसे शाहरुख साहब ने शुरू किया है। और ये तो नेगेटिव, जो मेरे जैसे जो एक्टर्स हैं जिनको नेगेटिव रोल है मतलब मिलते हैं, उनका काम ज़रा सा कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी फिल्में भी बनती हैं जहाँ पर नेगेटिव लोगों की ज़रूरत होती है, जहाँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। और एक अगर कोई आदमी, कोई एक्टर अपने दिल से अपनी सच्ची साधना के साथ काम करता है तो उसको ज़िंदगी भर काम मिलेगा इंडस्ट्री। ऐसे प्रोजेक्ट तो हैं बहुत से, एक फिल्म मैं अभी बहुत जल्द, मेरा ख्याल है नवंबर में रिलीज हो जाएगी, वो एक फिल्म मैंने की है बाला। हाँ, वो आपने देखा होगा कि स्त्री जिन्होंने बनाई थी मैड डॉग फिल्म्स की, अमर कौशिक उसके डायरेक्टर हैं, तो अच्छा अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, सब का है। अभी मैंने उल्टा चमन तो देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बाला एक बड़ी सिंसियर, वो लोग फिल्म ही अच्छी बनाते हैं, सिंसियरिटी के साथ उन्होंने फिल्म बनाई है। और उसमें उसमें कलाकार कितने अच्छे हैं ये देखिए, आयुष्मान खुराना है, और उसमें अपना यामी गौतम है, उसमें ये भूमि पे है, भूमि है,
और आयुष्मान तो आजकल सुपर हिट है, छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। और कई लोग इज अ वेरी गुड एक्टर और बहुत ही बहुत माइन्यूटली फिल्म बनाते हैं उन लोग, एक एक चीज को देख करके जिस तरह से उन्होंने। तो मेरा एक छोटा सा है किरदार, बड़ा अच्छा किरदार है जो आई एम प्लेइंग लॉयर टू यामी गौतम, और फिर वो मुकदमे में अदालत में जाता है मुकदमा, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है मैं समझता हूँ। मेरी भी चल रही है, मैं टेलीविजन भी करता रहता हूँ, हमने एक फिल्म बनाई भी है जिसका नाम है मैं भी। तो वो फिल्म है जो मी टू कैंप वो हुआ था, लेकिन इसमें सोशल मैसेज है लेकिन लड़कियों का नहीं है। बहुत सारे बच्चे लड़के भी, यंग बॉयज जो होते हैं उनका भी शोषण होता है, और स्टैटिस्टिकली अगर देखें तो हिंदुस्तान में उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। जो चिल्ड्रंस होम में वो जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो शोषण होता है, उसके ऊपर हमने उस बेसिस पे एक फिल्म बनाई है मैं भी, उसकी भी उसको रिलीज करने में लगे हुए। ऐसा है, फिल्म का टाइटल इसीलिए है क्योंकि फिल्म में डिस्टेंस नहीं है। फिल्म बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, और वो गाना इतना अच्छा हुआ है, उसके अलावा जो हमने बाकी सीन्स भी किए हैं इतने रेलेवेंट हैं आज की ज़िंदगी और सोसाइटी को, रेलेवेंट हैं। तो ये बड़ी अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म चलेगी और ज़रूर चलेगी, 15 नवंबर को लगेगी और पूरी दुनिया देखेगी कि फिल्म रमा मेहरा ने अच्छी हुई। मेरा किरदार रंगीन मिजाज, जैसे हमारे पुराने बोलते हैं ना शौकीन लोग, विजय माल्या टाइप, वैसी दाढ़ी भी रखवाई थी इन्होंने, बट उनसे कुछ हमने लिया नहीं एक्सेप्ट दैट लुक, बट अदरवाइज कैरेक्टर मदमस्त है, जिंदगी मजे में जीता है, और जो वो करता है उस बात में भरोसा रखता है, वो कन्विंस कर देता है कि मैं सही कर रहा हूँ और आप जो कुछ सोच रहे हैं वो गलत है। आज बहुत अफसोस का दिन है, आज दो क्रीमेशन बहुत ही ऐसी हस्तियों के जो हमें बहुत अजीज थे, बहुत प्यारे थे, एक चंपक जैन जी, बहुत ही यंग, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे, तो बहुत ही करीबी थे वो, उनका आज सुबह हुआ शमशान पे, और आज शाम को अभी राजीव मवानी साहब का, वो भी एक बहुत अच्छे दोस्त थे, एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, फिल्म भी डायरेक्ट की थी उन्होंने, बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी बड़ी कैंसर की लड़ाई के बाद उनकी डेथ हुई। आज का बहुत एक्चुअली गमगीन दिन है, लेकिन एज दे से ऑलवेज द शो हैज़ टू गो ऑन। जब एक फिल्म कंप्लीट हुई है, रेडी हुई है, उसके ट्रेलर लॉन्च में हम मौजूद हैं, जबकि अंदर से दिल बहुत गमगीन है कि आज दो करीबी दोस्त दुनिया से चले गए। सबसे पहले तो मैं हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगी, दिवाली थोड़े दिन पहले थी, सो ये जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं बिल्कुल बोल्ड, ऐसा नहीं है बोल्ड, ये फिल्म अभी देखी नहीं है, यही एक खासियत है इस फिल्म की, कि एक वोमेन ओरिएंटेड फिल्म है, एक लड़की की स्टोरी है, और इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर मतलब 5-6-7 अलग अलग तरह के रोल्स हैं जिनको आप देखेंगे उसमें। मैंने साड़ी भी पहनी है, मैंने बोल्ड भी किया है, बहुत ज़्यादा बोल्ड तो नहीं किया है क्योंकि हमारी फिल्म बिल्कुल वैसी नहीं है, एंड आज मैंने सोचा इसलिए मैं इंडियन अटायर में जाती हूँ ताकि बिल्कुल शॉक हो जाए सबको, सो दिस इज इंडियन अटायर जो मैंने आज कैरी किया। एक्चुअली मुझे बचपन से एक्ट्रेस बनना था, एंड मैंने सबको देखा है, मैं बचपन से सबको देख के बड़ी हुई हूँ, एंड आज बहुत आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ आज, सो ये फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है एक्चुअली, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो और आप उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिनको हम बचपन से देख रहे होते हैं, सो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला काम करने का इन लोगों के साथ। सो मेरी डेब्यू फिल्म मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी साउथ से, तो मेरी डेब्यू फिल्म थी ऑपरेशन ग्रीन हंट, जो तमिल, तेलुगू में, मलयालम 3 लैंग्वेज में रिलीज थी, जो आरती अग्रवाल जी के साथ थी, जो उनकी लास्ट फिल्म थी, एंड दूसरी मेरी फिल्म थी जो बॉलीवुड में डेब्यू थी वो लव यू फैमिली थी, जो अभी 2017 में आई थी,
एंड दिस माई थर्ड फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है, एंड माई फोर्थ फिल्म जो हॉरर फिल्म है एक आई नो यू करके, वो भी 3 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। एक्टिंग के अलावा मैं बहुत कुछ कर रही हूँ फिलहाल। मैंने अपना ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो मैंने यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट की है। मैंने खुद का अपना प्रोडक्शन ओपन किया है जिसमें हम कॉर्पोरेट शूट्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो सिर्फ एक्टिंग नहीं, और भी बहुत कुछ कर रही हूँ मैं। जी दोस्तों, जब मैंने ये पिक्चर शुरू की थी, चूँकि ये जो फिल्म है एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है, तो इस फिल्म के लिए मुझे कोई ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो चेहरे से, ज़ुबान से, एक्सप्रेशन से, इसके अलावा वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा करे, क्योंकि पूरी जो कहानी है वो हीरोइन के ऊपर है। मतलब जब आप पिक्चर देखेंगे हमारी, तो पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक आपको हीरोइन ही दिखेगी। इसीलिए मैंने एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम सगारिका है, उनको मैंने चूज़ किया। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि 130 लड़कियों का ऑडिशन लेने के बाद हमने सगारिका जी का सिलेक्शन किया, और बहुत अच्छा सिलेक्शन मेरा, और बहुत अच्छे से काम किया इन्होंने बखूबी से। जो किरदार मैंने अपनी पिक्चर में लिखा है और डायरेक्ट किया है, उसको बहुत बखूबी के साथ इन्होंने निभाया, और पिक्चर बहुत मेहनत के साथ, बहुत अच्छे अंदाज के साथ पिक्चर कम्प्लीट हो गई और पर्दे पर आ गई। उसकी वजह ये थी कि ये जो फिल्म है, जब हमने ये पिक्चर मैंने लिखी थी, तो इस फिल्म के पीछे मेरे 30 साल की तपस्या है। मैंने इसके पहले भी काफ़ी पिक्चर लिखी, तो एक हीरोइन ओरिएंटेड पिक्चर थी। तो मैंने जब पिक्चर शुरू की तो मैं एक बहुत बड़ा नामचीन चेहरा चाहता था कि अगर ये फिल्म में करीना कपूर जी होती या कैटरीना जी होती या आलिया भट्ट होती, तो इस लेवल की कोई हीरोइन को सोच करके मैंने पिक्चर लिखी थी। लेकिन जैसे मधुर भंडारकर साहब जब भी कोई फैशन बनाते हैं, हीरोइन पिक्चर बनाते हैं, तो प्रियंका चोपड़ा जी या करीना कपूर जी को लेकर के बनाई, तो ये मेरी पिक्चर भी एक हीरोइन ओरिएंटेड होने के नाते एक कोई नामचीन चेहरा चाहती थी, लेकिन वो हो ना सका। तो बाद में मुझे उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं चाहिए था, तो सारे गुण मुझे सगारिका जी में दिखे, और मैंने 129 का 130वां नंबर सगारिका जी को दिया, और पिक्चर के उनके साथ पिक्चर बनाई, और फिल्म मेरी एक बहुत अच्छी पिक्चर कम्प्लीट हो गई। रामा सर मेरे डायरेक्टर नहीं थे, मेरे फ्रेंड थे, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। हमने फिल्म में इतनी बातें नहीं की, उससे तो हम मिलके हमने बातें करी है, मतलब हमने बहुत इन्जॉय किया है। ही सुपर्ब डायरेक्टर, सुपर्ब ह्यूमन बींग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसान कैसे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने जो जो लिखा है, मतलब मेरे लिए लिखा है, तो मुझे तो करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड मैंने आई होप बखूबी निभाया है, मेहनत करी है जितना मैं कर सकती थी, एंड उन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग करी है। सो आप लोग ये देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि हमने ट्रेलर में क्या क्या मिस कर दिया है। फिल्म में बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं बताता हूँ आपको, आपका सवाल बहुत अच्छा है सर, बहुत सोच के आपने ये सवाल किया है। फिल्म का टाइटल है कीप सेफ डिस्टेंस, इसके मायने होते हैं कि दूरी बना के रखें। तो आज से 3 साल पहले जब मैंने फिल्मिस्तान स्टूडियो में ये मुहूर्त किया था, तब मैंने ये कहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, तो उनका कहना ये था कि हमें गंदगी से दूर रहना है, भ्रष्टाचार से दूर रहना है, और जो इस देश में जो भी करप्शन है उस सबको दूर रहना है। तो सबको सोच करके मैंने ये फिल्म लिखी, और फिल्म का टाइटल ये था कि कीप सेफ डिस्टेंस, मतलब इन तमाम चीज़ों से हमें दूर रहना है, तब हम अपने इस देश को और अपने घर को अपने इस शिखर तक लेके जाएंगे। और जो जो कुछ उन्होंने सोचा था और जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, मैं नरेंद्र मोदी साहब का बहुत आभारी हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलता हूँ, और मैं अपना आदर्श मानता हूँ उनको, और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में हुए हैं सबसे नंबर 1, और एक सुपर पावर जिसको कहते हैं कि एक आदमी नंबर 1 पर है, दुनिया का नंबर 1 पर है, आज पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। तो मैं चाहता था कि मोदी साहब के मैं साथ रहूं, और इलेक्शन में भी मैंने काम किया है, लोकसभा का इलेक्शन अभी हुआ था और एक बार फिर वो पीएम बने, तो वो हर गंदगी से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरी फिल्म का भी जो टाइटल है वो कीप सेफ डिस्टेंस, कि जो फिल्म के अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो भी उसके अंदर इस तरह के करेक्टर्स हैं, उसे दूर रहें और अपनी ज़िंदगी को एक सक्षम बनाए और बहुत कामयाब इंसान बने, मेरी ऐसी एक कोशिश थी। साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि मोदी जी का एक और मिशन है कि दाऊद को पकड़ के लाना। जी 11 मुल्कों की पुलिस को
जस्टिफाई हो पाए जी। सवाल बहुत अच्छा है दोस्त, बहुत सोच समझ के सवाल कर रहे हैं आप, तो सही आदमी से सवाल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो नारी ने वो रोल अदा किया है जो आज तक दुनिया की कोई औरत नहीं कर पाई, चाहे वो महाभारत हो चाहे वो रामायण हो। तो मैंने उससे दोनों से इंस्पायर्ड होकर के ये कहा कि दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल को, जिसको कि पूरे कई देशों की पुलिस उसको ढूंढ रही है, हमारी फिल्म में भी जो करेक्टर्स है, चूंकि वो एक इंटरनेशनल कॉल गर्ल है तो जिसका असली चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, वो कहती है उसको मैंने नंगा देखा है क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। तो जब हमारी फिल्म का जो हीरो है, जो करेक्टर्स है, उसकी जिंदगी का मकसद है कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के हम हिंदुस्तान की सरकार के हवाले करें, लेकिन वो करेगा कैसे, उसको तो आज का दाऊद इब्राहिम पता ही नहीं है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका ठिकाना क्या है, उसका रूप कैसा है। तो ये मैंने जहन में रखा, लेकिन एक लड़की जो उसके साथ हम बिस्तर होती है, जो उसकी रखेल बनी हुई है, जो उसकी प्रोस्टिट्यूट है, जो उसकी किप बनी हुई है, वो उसके टच में होती है और वो ये कहती है कि जैसे दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान आएगा मैं आपको टिप दे दूंगी और आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो मैंने उस अपनी कहानी में दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल किया और लड़की का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। कहते हैं हर मर्द की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी इस फिल्म की कामयाबी के पीछे मेरी अपनी हीरोइन सगारी का हाथ। ये सर क्वेश्चन आपने तो बिल्कुल ही अलग पूछ लिया, मेरे लेवल से बहुत दूर है। फिलहाल हम एक्टर्स हैं। मैं बता देता हूँ ये इनका डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक सीधी सिंपल लाइन की लड़की है, ये सारे उलझन वाले काम मैं करता हूँ। अभी पिछले 3 दिन पहले से चैनल्स पे, सारे तमाम चैनल्स पे आप लोग दिखा रहे हैं, 3 लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं, वो 3 चेहरों में एक चेहरा दाऊद इब्राहिम का भी है। जैसे हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने अभी बहुत सारे काम किए, 3 तलाक का काम किया हुआ है, उसको ख़त्म किया हुआ है, हमारी जो जम्मू कश्मीर 370 धारा थी वो हटाई है, ऐसे एक जो अयोध्या का मुद्दा था उसको भी ख़त्म किया है। अब उनका जो अगला कदम है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हिट लिस्टर्स हैं, उनको बहुत जल्द पकड़ के हिंदुस्तान की सरकार के हवाले करेगा। पिछले 3 दिन से आपका पूरा चैनल बड़े दिल खोल के उन तीनों की तस्वीरें बता रहा है, इन तीनों के नाम आपको पता होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये काम है, हमारी अपनी फिल्म की हीरोइन भी हम उसको काल्पनिक कहानी बनाते हैं, अगर इस कहानी को हम सच्चाई में भी करेंगे तो हम इस काम में 10 कदम आगे। आगा जोशी है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी कोटा राजस्थान से हैं। इस फिल्म में इसी की भूमिका निभा रहा हूँ और उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट किया, इसमें मैं मेरे साथ दिया शिवम रोय प्रभाकर साहब ने और लाइन प्रोड्यूसर रहे उसमें अभिनय रोय प्रभाकर साहब, उस फिल्म के प्रोड्यूसर रहे लक्ष्मण सिंह राजपूत। तो बस फिल्म इंडस्ट्री में सिलसिला चलता रहता है, पहले ईपी और डायरेक्शन, आगे की बात अब आगे के करियर के बारे में शिवम जी से कुछ बताना चाहेंगे। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वागत जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आज जैसे कि कीप सेफ डिस्टेंस मूवी है, सागर जी उसके ईपी हैं तो मुझे इनवाइट किया, थैंक्स अ लॉट टू हिम एंड कांग्रेचुलेशन टू हिम आल्सो। तो आई विश कि मूवी अच्छा करे, 15 नवंबर को रिलीज हो रही है, आप लोग देखने जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा और अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया था चालू करने जैसे, हमें लाइन प्रोड्यूस करता और सब ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत अच्छी मूवी है और आई होप कि सबको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली कीप सेफ डिस्टेंस एक हीरोइन ओरिएंटेड पिक्चर है जिसमें हीरोइन की मुख्य भूमिका के रूप में सागरिका जी ने एक्टिंग की है और इस फिल्म में बहुत सारे सीनियर एक्टर्स ने भी काम किया है, जैसे किरण कुमार जी, शाहबाज खान जी, मुश्ताक खान जी, प्रदीप काबरा जी, आदि ईरानी साहब और भी ऐसी नामचीन फिल्म इंडस्ट्रीज की हस्तियां हैं जिन्होंने इस फिल्म पे काम किया है। और इन लोगों के साथ काम करके और फिल्म कीप सेफ डिस्टेंस को मेकिंग जब हुआ था मेकिंग फिल्म कीप सेफ डिस्टेंस का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये फिल्म दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है,
रामा जी ने जब ये कहानी सुनाई आपको तो पहला रिएक्शन क्या था, कैसे जहन में आया कि हर चीज से इस तरीके का फिल्म नहीं बनाना चाहिए इसके तौर पे? जब मैं पहली बार डायरेक्टर सर रामा जी से मैं मिला तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई कि सर इस तरह की एक कहानी है, एक इंटरनेशनल कॉल गर्ल की कहानी है जो फिल्म पे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ इसके संबंध होते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का भी इसमें कुछ बताया था उन्होंने, तो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कहानी को जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, भाई को बताया, मेरे दोस्त भी थे जिन्होंने इस फिल्म पे कुछ फाइनेंस भी लगाया है तो उनको भी बताया, तो उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, जिस दिन हम इस फिल्म की मेकिंग करेंगे और इस फिल्म को पर्दे तक पहुंचाएंगे तो यह फिल्म दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। दामोदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूजिक काफी अच्छा बन गया है, कैसी रही जर्नी, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफिंग दिया गया था आपको, ना तो क्या जहन में था और थोड़ा बोलने के बारे में बताया। मुझे भोजपुरी के अलावा जब हिंदी का ये ऑफर आया रामा मेहरा जी द्वारा और ये हमारे विष्णु शर्मा जी और महेश शर्मा जी दोनों प्रोड्यूसर थे, तो मुझे बड़ा कॉन्सेप्ट सुनाया कि ये कीप सेफ डिस्टेंस, सबसे पहले तो मुझे ये टाइटल जो है, ये शीर्षक जो है फिल्म का नाम ही बहुत कैंची लगा, एकदम मतलब अलग हट गया नाम, ये कीप सेफ डिस्टेंस एक चुनिंदा नाम है और इसमें स्टार में बताया कि किरण कुमार जी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, शहबाज खान जी हैं और दीप काबरा जी हैं, मतलब फिल्म के ये स्टार हैं और इसमें नए जो आर्टिस्ट में भी मुझे हिंदी करने का मौका मिल रहा है जिसमें एक कॉन्सेप्ट अच्छा है और गाने अच्छे हैं, तो इसमें हमने राहुल शर्मा जी गीतकार हैं और एक गीत अजीत मंडल जी ने लिखा है जिसको हम बॉलीवुड के कलाकार को लिए, इसमें बॉलीवुड के कलाकार शाहिद माल्या जी जिनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था और वैसे कई सारी फिल्मों में, हिट फिल्मों में गाते रहते हैं, शाहिद माल्या जी ने इसमें गाया है और एक गाना भोजपुरी की जो सुपरस्टार गायिका कल्पना जी है जो हिंदी कई सारी फिल्मों में गाई है, एक गाना उनसे किया गया और ड्यूएट गाना एक संचित सकट जो है कतरा कतरा वाला गाना, तो मुझे गाना बनाने में उत्सुकता इतनी अच्छी थी कि लाजमी है गाना अच्छा बन गया और आज मुझे, मैं ट्रेलर जो आज लॉन्च हुआ आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो आप बताया कि कोरियोग्राफर क्या नाम बताया उनका, अजीत गार्डे जिन्होंने बहुत, उन्होंने जो उनका गाने का डिजाइन किया है मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों को भी अच्छा लगा, तो इन लोगों के साथ काम करके मुझे बड़ी खुशी हुई। आज मैं विष्णु जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ, मुझे इस काबिल समझ के इस फिल्म का म्यूजिक देने का मौका दिया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बहुत ही खुशी है, साथ ही साथ आज मैं पूरे देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक